हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हर्ष द्विवेदी एंड आई वेलकम यू बैक टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग कुछ अलग तरीके के टॉपिक पे बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है, ये बेसिकली जो अशोका के पिलर एडिक्ट्स है और जो रॉक्स पे इंग्रेविंग है, जो रॉक एडिक्ट और पिलर एडिक्ट है अशोका के, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है उनके बारे में हम देखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका एंड देयर मीनिंग। अब जहां जहां पे आपके रॉक एडिक्ट्स मिले हैं अशोका के, जहां जहां पे भी जो इंग्रेविंग्स हैं उनकी जो मैसेजेस हैं वो मिले हैं, ये साइट्स हैं इंडिया का मैप है, मंसेरा, शबहास गढ़ी, कांदाहार, कालसी, दिल्ली टोपरा, मेरठ, लुम्बिनी, लौरिया, नंदरगढ़, कौशाम्बी, लौरिया, आरा राज, रामपुरवा। तो इन इन जगह पे साइट्स इंपॉर्टेंट है, उनको देखिएगा। फिर नीचे आ जाते हैं गुजरात में, प्रेजेंट है गुजरात में गिरनार, सुपारा, धौली, चौगरा, सरनाती, अमरावती, येराकुटी। ठीक है, अब श्रीलंका में कोई शॉर्ट साइट्स नहीं, ये मेजर रॉक एडिक्ट्स है इसके। तो बेसिकली ये जो रॉक और पिलर एडिक्ट्स है किंग अशोका के, ठीक है, ये पहला यू नो टेंजिबल एविडेंस है, पहला नोन एविडेंस है। ठीक है, ये कह सकते हो कि प्रूफ है जिसने ये बताया कि कैसे बुद्धिज्म भारत के अलग अलग भागों में यू नो स्प्रेड हुआ और पूरी दुनिया में स्प्रेड हुआ। किसके रेन के दौरान? अशोका के रेन के दौरान। ठीक है, अच्छा, ये जो राइटिंग्स है, ठीक है, इन रॉक एडिक्ट्स की, पिलर एडिक्ट्स की जो राइटिंग्स है, बेसिकली ये जिस एडिक्ट पे लिखी गई थी, इस एडिक्ट को डिसअपीयर किया था जेम्स प्रिंसप ने। जेम्स प्रिंसप एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट है और हिस्टोरियन है, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि अशोकन पिलर पे जो एडिक्ट्स है, अशोकन रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स पे जो लैंग्वेज, उसको किसने डिसअपीयर किया? आंसर क्या है? जेम्स प्रिंसप। अच्छा, ये जो एडिक्ट्स थे, ये किस टाइम से किस टाइम में बनाए गए? ऑब्वियसली बात है, अशोका के रेन के थ्रू बनाए होंगे। वो रेन था 272 बीसी से लेके 271 बीसी। आप माइनस वाले देख लीजिए, 41 साल अशोक ने राज किया है। ओके, ये बीसी मतलब आज से, आज क्या चल रहा है? आज चल रहा है 2017 में 272 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 2289 ईयर्स बैक अशोका ने अपना राज्य संभाला था और 41 साल तक राज किया। अच्छा, ये जो एडिक्ट्स हैं अशोका के, रॉक एडिक्ट्स हैं, ये किस पे फोकस करते हैं? दे फोकस ऑन द सोशल एंड मॉरल प्रीसेप्ट्स। ठीक है, ये सोशल और मॉरल प्रीसेप्ट्स से ज्यादा फोकस करते हैं, फिलोसॉफिकल डायमेंशन पे थोड़ा कम फोकस करते हैं। ठीक है, मोर ऑन फिलोसॉफिकल डायमेंशन पे भी करते हैं, बट दे फोकस मोर ऑन सोशल एंड मॉरल प्रीसेप्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट रिलीजन। अच्छा, ये और याद रखिएगा कि जो ये ट्रांसलेशन था रॉक और पिलर एडिक्ट्स का, जो ये ऊपर आपके जेम्स प्रिंसप ने किया है, ये एक टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री के लिए। क्योंकि जब हमको इन यू नो रॉक और पिलर एडिक्ट्स पे जो कुछ भी लिखा था, जब हम उसके बारे में पता चला, उसके बाद हम अपने जितने भी एजम्पशंस किए जा रहे थे हिस्टोरियंस द्वारा, उसको फैक्ट्स में बदल सके और उसी के बेसिस पे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी हिस्ट्री की, जो बिलीव था हिस्ट्री का, जो हिस्ट्री का एविडेंस था, वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, हिस्ट्री इज बेसिकली पहले किसी चीज को अज्यूम किया जाता है, फिर अज्यूमशन के सपोर्ट में यू नो प्रूफ ढूंढा जाता है। जब तक प्रूफ नहीं मिलता, तब तक आप 100% एक बात ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ऐसा ही हुआ होगा। ये रॉक और पिलर एडिक्ट्स की जो लैंग्वेज थी, जब इसको डेसिफर किया गया, इसके बाद हमको ये प्रूफ मिला कि यहाँ पे रियली में क्या क्या हुआ था, वो सही था, गलत था, नहीं था, ये सब जानने को मिला। अब हम बात करते हैं, टोटल 14 रॉक एडिक्ट्स अशोका के हैं और उनको एक एक करके हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट इसमें क्या बोला अशोका, इसमें बोला है कि भैया किंग अशोका ने कहा कि भाई स्लॉटर ऑफ एनिमल्स को प्रोहिबिट किया, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम पे, जो यू नो मास बेसिस पे एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता था स्पीशीज ऑकेशन पे, उसको बंद किया। पहली चीज तो उसको प्रोहिबिट किया। उसके बाद रॉक एडिक्ट 2 में क्या किया, इस एडिक्ट में बेसिकली इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए कि ह्यूमन बीइंग्स के और एनिमल्स के केयर पे ध्यान दिया जाए। उसके अलावा इस रॉक एडिक्ट 2 में जो साउथ से किंगडम्स है, जैसे केरल पुत्र, सत्यपुत्र, पंड्यास, चोलास, इनका भी मेंशन दिया गया है इसमें, रॉक एडिक्ट 2 में। रॉक एडिक्ट 3 में क्या है, बेसिकली जेनरोसिटी ऑफ द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स के प्रति जो जेनरोसिटी दिखाई जाएगी, उसके इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। और अशोका की जो धम्म पॉलिसी थी, उसको अलग अलग यू नो राज्य के अलग अलग जगहों पे कैसे फैलाया जाए, इसकी बात दे रखी थी। यानी स्प्रेडिंग अशोका पॉलिसी, अशोका की धम्मा की पॉलिसी को कैसे अलग अलग जगहों पे फैलाया जाए उसके राज्य में, बेसिकली ये बताया गया उसमें। फिर रॉक एडिक्ट 4 की बात करते हैं। रॉक एडिक्ट 4 बेरी घोसा को डिनाउंस करता है और धम्म घोसा को प्रमोट करता है।
अब ये बेरी गोसा और धम्म गोसा में फर्क क्या है? देखिए, कलिंग का युद्ध लड़ा था अशोका ने, ठीक है, अपने राज के आने कुछ सालों के बाद। उस कलिंग के युद्ध में बहुत लोग खत्म हुए थे, तो उसके बाद उसने ये लड़ाई वाला रास्ता छोड़ के धम्मा वाला रास्ता अपनाया, जिसको धम्म घोष कहा जाता है। तो कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने जो नीति अपनाई उसको धम्म घोष बोला जाता है। और कलिंग के युद्ध से पहले जो अशोका की नीति थी कि मतलब आक्रमण करके राज्यों पर काबू करो, एरिया को अपने अंदर में लो, अपना वर्चस्व बढ़ाओ, ये बेरी घोषा। तो कलिंग के युद्ध से पहले जो अशोक की नीति थी वो थी बेरी घोषा, उसके बाद जो थी वो है धम्म घोषा। अच्छा, इसके अलावा रॉक एडिट 4 ये भी बताता है कि जो धम्मा है, अशोका की जो पॉलिसी धम्मा है, उसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में भी ये रॉक एडिट बताता है। आगे आते हैं रॉक एडिट 5 की बात करते हैं। ये बेसिकली ओवरऑल कंडीशंस के बारे में बात करता है, किसकी, स्लेव्स की, और उनके बारे में कोई स्पेशल पॉलिसी बनाई जाए उसकी बात करता है। ये धम्म महामात्रास का अपॉइंटमेंट करता है, अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है। धम्म महामात्रास कौन थे? ये बेसिकली वो लोग थे जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अशोक के राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाएं और देखें कि धम्मा की जो पॉलिसी है अशोका की, उसे फॉलो किया जा रहा है या नहीं फॉलो किया जा रहा है। तो ये धम्म महामात्रास, मतलब बेसिकली इनका काम ये था कि उसकी धम्मा की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। और सिक्स क्या कहता है कि गवर्नमेंट जो थी अशोका की, उसके जो ऑफिशियल्स थे, उनके वो जिनके ऊपर राज करते थे, जिन लोगों के ऊपर राज करते थे, उनके लिए क्या क्या वेलफेयर मेजर्स लिए गए, उन वेलफेयर मेजर्स को डिस्क्राइब किया गया इस रॉकेट 6। उसके बाद इसमें यह भी बताया गया कि किंग को हमेशा ये डिजायर रहता था कि वो पूरी जानकारी पाए कि भाई जो उसके लोग हैं, जो उसकी प्रजा है, उनका वेलफेयर ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बेसिकली रॉकेट 6 से बताया गया है। उसके बाद रॉकेट 7 में यह बताया गया है कि जो किंग अशोक थे वो बहुत ही ज्यादा सेक्युलर थे। सेक्युलर तो चलिए आज का वर्ड हो गया, ये नहीं यूज करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा टॉलरेंट थे अलग अलग रिलीजन के प्रति, मतलब हिंदुइज्म के प्रति भी टॉलरेंट थे, बुद्धिज्म के प्रति भी ये बहुत टॉलरेंट थे। आगे चलते हैं। तो रॉक एडिक्ट 8 है, ये किसके बारे में बात करता है? ये बेसिकली यू नो जो किंग अशोक थे, उन्होंने अपने राज के दौरान, अपने राजपाट के दौरान जर्नी की थी, जिसको धम्म यात्रा कहते हैं। धम्म यात्रा उन्होंने कहां पे गए थे? बोधगया गए थे, और उस बोधि ट्री तक गए थे जहां पे गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट मिला था। आपको पता है कि बोधगया बोधि ट्री में गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट किया है, तो यही जर्नी किंग अशोका ने भी करी थी। इसके बारे में रॉक एडिक्ट 8 में बता रहा है। रॉक एडिक्ट 9 में क्या बता रखा है कि धम्मा का क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, इसके बारे में रॉक एडिक्ट 9 में बता रखा है। और ये रॉक एडिक्ट 9 मैरिज, बर्थ ऑफ चाइल्ड और इलनेस जैसी यू नो सेरेमनीज की प्रैक्टिस को कंडेम करता है। सेरेमनी मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो ना सेरेमनी होती थी, किसी की बीमारी में हो गई या मैरिज बहुत ज्यादा लैविश हो गई, ठीक है, तो इस पे जो सेरेमनी होती थी पे पैसा खत्म किया जाता था, जो एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर होता है, इसको रॉक एडिक्ट 9 कंडेम करता है। उसके आगे रॉक 10 भी ऑब्वियसली बात है किंग अशोका की धम्मा पॉलिसी की इंपॉर्टेंस को बताता है, और फेम और ग्लोरी मतलब बहुत ज्यादा यू नो किसी चीज का फेमस होना, अपनी ग्लोरी दिखाना, अपनी महानता को दिखाना, इस चीज को कंडेम करता है रॉक एडिक्ट 10। क्योंकि उस समय पे क्या होता था यार कि जो नोबल क्लास था, नोबल क्लास का ये था, नोबल जो क्लास होती थी, ठीक है, राजा महाराजा क्लास। अब राजा तो किंग अशोक, उसके नीचे बहुत सारे प्रोविंशियल गवर्नर्स होंगे, बहुत बड़े बड़े अमीर राजघराने होंगे, तो अपनी इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए बड़े बड़े फंक्शन रखते होंगे, अपने आप को फेमस दिखाते होंगे लोगों के बीच में, यू नो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी बड़ी चीज दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। तो इन सब चीजों को रॉक एडिक्ट 10 में थोड़ा कम करने के लिए कहा गया है अशोक द्वारा। अच्छा, ये भी रॉक एडिक्ट 11 में डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ धम्मा बताता है, ठीक है, ये बताता है कि कैसे अपने एल्डर्स की तरफ आपको अपना बिहेवियर रखना है, इसके बारे में रॉक एडिक्ट 11 बताता है। ये कहता है कि भाई एनिमल स्लॉटर को यू नो मतलब एब्सटेन करो, मत करो, और अपने लव वन को लिबर्टी दो, उनको छूट दो, उनको आजादी दो, ये बताता है रॉक एडिक्ट 11। फिर आगे रॉक एडिक्ट 12 में किंग अशोक अपने प्रजा से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि दूसरी सेक्स की तरफ, दूसरे क्लास की तरफ, दूसरे रिलीजन की तरफ टॉलरेंस अपनाइए, उनसे झगड़ा मत करिए, उनको अपना ही भाई बंधु समझिए, ये रॉक एडिक्ट 12 में बता रखा है। उसके आगे आते हैं रॉक एडिक्ट 13 में क्या दे रखा है। ये बेसिकली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिक्ट वेयर जहां पे धम्मा की इंपॉर्टेंस बताई गई है इन कंपैरिजन टू गॉड। ओके, रॉक एडिक्ट 14 क्या है? बेसिकली ये रॉक एडिक्ट 14 बताता है कि
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में कहां कहां पे कौन कौन से इंस्क्रिप्शन को एनग्रेव किया गया है, ये रॉक एडिक्ट 14 होता था। उसके आगे 5-7 पिलर एडिक्ट भी है अशोका के, कहां कहां पे मिले हैं, मेहरौली में है, चंपारण में है, रामपुरवा में है, कौशाम्बी में है, मेरठ में है, टोकरा में। ठीक है, अब इनके जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मैसेजेस है उसको देख लेते हैं। पिलर एडिक्ट 1 क्या कहता है कि पीपल का प्रोटेक्शन होना चाहिए। ठीक है, पिलर एडिक्ट 2 क्या कहता है, धम्मा को वर्च्यू प्योरिटी ट्रूथफुलनेस लिबर्टी और कंपैशन रहता है। आप समझ सकते हैं कि धम्मा ही पूरा छाया हुआ है इनके उसमें। पिलर एडिक्ट 3 क्या है, बेसिकली बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ प्राइड एंगर क्वालिटी हार्शनेस और अदर्स। पिलर एडिक्ट 4 इट टॉक्स अबाउट द ड्यूटी ऑफ राजू कास्ट हु लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। राजू कास्ट का काम क्या था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को देखेंगे अलग अलग जगहों पर, तो ये ड्यूटी थी। पिलर एडिक्ट 4 में इनकी ड्यूटी के बारे में बता रखा है। फिर पिलर एडिक्ट 5 बता रखा है कि कुछ 25 प्रिजनर्स थे जिनको किंग अशोका ने छोड़ दिया था, और सर्टेन एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में बोल रखा है जिनको स्पेशल ऑकेजन्स पे नहीं मारा जाना चाहिए, तो ये बता रखा है पिलर एडिक्ट 5 ने। ठीक है, ये फोटो से मैंने पिलर एडिक्ट 6 ने बताया कि वे चूज एन इंपॉर्टेंस ऑफ किंग अशोक धम्मा पॉलिसी, वही चीजें हैं। इंपॉर्टेंट वर्क डन बाय किंग अशोका फॉर स्प्रेडिंग धम्मा पॉलिसी, पिलर एडिक्ट 7 में बोल रखा है। ठीक है, तो बेसिकली फ्रेंड्स यही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपके अशोका के रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स में है। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना काफी है आपका याद करना, इससे ज्यादा आपको याद करने की समझने की जरूरत नहीं है। तो अशोका के पिलर रॉक एंड्स मैंने कंप्लीट किए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर आगे की वीडियो में और मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा। सो आई होप कि मेरी हर्ष द्विवेदी की वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइए ताकि मैं आगे और वीडियोज बना सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।